मिक्सी में से भी धुएं निकाल दिए हैं और हमारी दूसरी मिक्सी भी इसी के साथ खराब हो गई है। इसको हमने डाल दिया है परात में और इनको मिक्स करेंगे। इसमें और घी डाल दिया है। What's up guys, Vicky Rapper this side. Welcome to my new vlog. तो यार तो आज मैं हूँ घर पे और घर पे हमारी चल रही है तैयारी। हमारी चल रही है तैयारी पंजीरी बनाने की और इनको ड्राई फ्रूट्स निकाल दिए है। कोकोनट को भी आ गया है और इसमें लगा ये क्या है, ये है मखानी। तो ये जो पंजीरी होती है बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ के लिए, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ डलती है और इसको सर्दियों में ही खाया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है और मैं इसे रोज़ खाता हूँ। मैं ना सर्दियों में ब्रेकफास्ट इसी का करता हूँ, सुबह मॉर्निंग में एक कटोरी पंजीरी खाता हूँ, ये बहुत ही होती है, बड़ी टेस्टी होती है। इसलिए हम हर साल इसको बनाते हैं और मैं आपको बताऊँगा इसको बनाने का पूरा प्रोसेस कैसे बनाते हैं हम लोग इसे। तीसरे हम मोम कचरा और तो इसको डाल रहे हैं बाउल में और इसको पीसेंगे। अब और नहीं भी जरा हुआ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ मम्मी, ज्यादा ना कर, बहुत से बहुत हो गया। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अरे नीचे नहीं हुआ अभी, अरे बस कर तो अभी क्या पूछा कि हमें जितने भी सामान है सबसे पहले घी में ब्राउन करना है। उसमें देखिए तो क्या कुछ रहेगा, उसमें जल्दी देखिए भाई। अभी हमारी मिक्सर हो चुका है खराब और खैतान का मिक्सर कर दिया है मम्मी ने खराब। अब मैं लाया हूँ दूसरी मिक्सर निकाल के और वो हो गया खराब। भाई तो हमने इस मिक्सी में से भी धुएं निकाल दिए हैं और हमारी दूसरी मिक्सी भी खराब खराब हो गई है और ये पंजीरी हमें बहुत महंगी पड़ने वाली है, ये हमारे पापा जी बताएंगे। तो इसमें डाल रहे हैं आटा, तो अभी हम डाल रहे थे दूसरा डब्बा घी का। पिछले 20 मिनट से आटे को ब्राउन कर रहे हैं और अभी ये ब्राउन होने लग चुका है। तो अभी हमने जो भी सामान तेल में भुना था और ग्राइंड किया था वो सब आटे के साथ मिक्स कर दिया है और देसी घी। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं मीठे के लिए देसी खान, इसको हमने डाल दिया है परात में और इनको मिक्स करेंगे। इसमें और घी डाल दिया है और फिर इसके बाद हम ये वाली बाल्टी में डालते हैं, हर साल ये भर जाएंगी, फिर इसको खाते रहेंगे गर्म करके। तो गाइस इसको भी मैंने रख दिया है बाल्टी में और अब हम इसको ढक देंगे ऊपर से कुछ दिन के लिए। मैं चेक कर लेता हूँ मीठा बीठा भी हमने चेक नहीं करा अभी मंदिर में चटाई और अब मैं खा के देखूंगा कि कैसी बनी है ये। तो अभी हम इसको ढक देंगे इस प्लेट से और ये आगे से होगी पैक और अब हम इसको कर देंगे पैक इसके अंदर। Yeah.
तो पंजीरी बनाने का जो खर्चा आया था वो आया है 1600 रुपये के आए हैं, ड्राई फ्रूट्स और जो भी उसके अंदर सामान डलता है, दवाई वगैरह जो भी डलता है वो सब आया 1600 रुपये का, 1600 का। और 2 kg घी लगा है, मैंने लिया था घी ब्रिटानिया का जो कि 690 का एक है, तो मतलब लमसम 3000 रुपीज़ खर्चा आ चुका है। और अगर आपने ये बनवानी हो तो आप अंसारी से बोल के कि हमें 1 kg घी का या 2 kg घी के हिसाब से वो भी सामान तोल के दे सकते हैं। हमने इसमें 2 kg घी था और ड्राई फ्रूट्स काफ़ी अच्छा जिसमें डालो, और 2 kg आटा था, 2 kg के लगभग आटा था और बाकी कुछ 2 kg घी, 2 kg आटा और बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके मतलब आधी बाल्टी हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, गेड़ी गुड़ी।